परवेज मुशर्रफ जिंदगी के आइंदा अय्याम पाकिस्तान में गुजारने के ख्वाहिशमंद, करीबी रुफका मुतहरिक हो गए। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी की राह में हायल रुकावटों और कानूनी मामलात को फौरी दूर करने की दरख्वास्त भी की। परवेज मुशर्रफ ने अपने करीबी रुफका से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपनी जिंदगी के आइंदा अय्याम पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं, वो फौरी वतन वापसी चाहते हैं। इस हवाले से राब्ता करने पर परवेज मुशर्रफ के करीबी साथी डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने बताया कि परवेज मुशर्रफ इन दिनों शदीद अलील हैं, उन्हें एमिलाइडोसिस मर्ज लाहक है, वो दुबई के अस्पताल में दाखिल हैं, वो वेंटिलेटर पर नहीं हैं, ताहम बीमारी खतरनाक सतह पर है। डॉक्टर अमजद ने तस्दीक की कि परवेज मुशर्रफ फौरी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके अहले खाना साबिक सदर मुशर्रफ की वापसी के लिए फौरी इकदाम के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि उनके अहम साथी और चाहने वाले साबिक सदर की वतन वापसी के लिए अपने तौर पर अहम हुकूमती और ताकतवर हलकों से राब्तों में कोशिश कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ को वतन वापस लाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूं कि वो परवेज मुशर्रफ को फौरी वतन वापस लाने के तमाम इकदाम हंगामी तौर पर करें ताकि परवेज मुशर्रफ अपनी जिंदगी के बकिया अय्याम वतन अजीज में गुजार सकें। मुझे उम्मीद है कि परवेज मुशर्रफ की इस ख्वाहिश का वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ एहतराम करेंगे और इसको पूरा किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।